नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेश वाला। आज हम गोभी के पकौड़े बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल गोभी का सीजन है और गोभी काफ़ी मात्रा में सस्ते रेट में बाजार में अवेलेबल है। पहले सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि गोभी किस प्रकार की लेनी है, और ऐसी बिल्कुल टाइट टाइट गुथी गुथी लेनी है, एकदम से वाइट। और अब हमने यह देखना है कि इसके पीसीस कैसे काटने हैं। जो हम आज पकौड़े बनाने जा रही हैं वो खाने में इतने लाजवाब क्रिस्पी होंगे कि आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे, और आप कह उठे कि वाकया ही आज खाए हैं, गोभी के पकौड़े तो कभी खाए ही नहीं। ऐसे एक एक करके इसके जो फूल है तोड़ने, मैं बताती हूँ आपको, अगर कोई बड़ा पीस है ऊपर से नहीं काटना, ऊपर से काटने से इसकी जो शेप है वो ऐसे नीचे से काट करके हाथ से तोड़ना होता है। देखिए मेंटेन रही। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लो। इसी प्रकार हम सारे फूल तोड़ लेंगे। देखिए ऐसे ही हमने गोभी के सभी फूल उतार लिए हैं। अब हमने इसे मैरिनेट करके रखना होगा, पहले उबालेंगे फिर मैरिनेट करने के लिए जो मटीरियल चाहिए वे आप ध्यान से सुन लें। ये हरा धनिया है, मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ करके रख लिया है। गोभी को भी मैंने पहले अच्छी तरह काफ़ी पानी में धोकर रखा था और उसका पानी निचोड़ लिया था। इसके लिए जो मटेरियल है जिसे हम गोभी के जो पीसीज है उबालने के बाद डिप करके रखेंगे, उसके लिए पहले चटनी तैयार करेंगे फिर इसे उबलना रखेंगे गोभी को। हरा धनिया, लहसुन और जिंजर, ये लहसुन की कलियाँ और जिंजर है। गोभी में लहसुन और अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया लगता है। ये हरी मिर्ची है, ये कड़ी पत्ता है, ठीक है। और जीटर में हम गोभी के पीसीज को मैरिनेट करके रखेंगे, उसके लिए हरा धनिया, हरी चटनी बनाएंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, अमचूर और अनारदाना, ये दही है मेरे पास फ्रेश, लेमन है और हींग, काला नमक। उन सबसे पहले ये है हींग पाउडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उधर तो हम एक तरफ गोभी के जो फूल कट मतलब हमने काट कर तैयार किए हैं, नमक मिले पानी में उसे अध पक्का पकाएंगे। उसका क्या कारण है कि उससे जो नमक है गोभी के अंदर तक चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम पकौड़े खाते हैं तो बीच में फिक्की फिक्की सी नजर आती है और गोभी भी अंदर तक नहीं पक पाती। जे मैं आधा चम्मच नमक, जहाँ मैंने पानी रखा है हम गोभी को 2 से 3 और 4 मिनट तक पका सकते हैं। अब जो फूल हैं गोभी के उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े छोटे काटे हैं। बस हमने इसे जस्ट थोड़ा सा नरम ही करना होता है, पकाना ही होता क्योंकि फ्राई करने पर भी जब पक जाते हैं। इधर हम इसके फूलों को ऐसे डालकर इस कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगते हैं। वो गोभी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना समय लेती है। हम इसे बस हाथ से चेक करके देख लेंगे कि ये नरम हुई है या ना। ऐसे हम इसे सारे फूल धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। अब ये 2 से 4 मिनट तक देखेंगे पकते हैं, उसके बाद हम चटनी बनाने जा रहे हैं जिसमें यह मटेरियल हम गोभी के पीसीज को मैरिनेट करेंगे और आधा घंटा रखेंगे। अब हम चटनी बनाने जा रहे हैं जिसमें गोभी के पीसों को उबालने के बाद मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इसे चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे चॉप करके कंटेनर में डाल लेंगे। यही हम जिंजर को चॉप करके चटनी में डाल लेंगे। जो अदरक और जिंजर का फ्लेवर है लहसुन का, वो गोभी में बहुत अच्छा लगता है। देखिए जे मैंने इतना अदरक लिया है 500 ग्राम गोभी के लिए, दो और 8 कलियां लहसुन की ली हैं गार्लिक की, और मेरे पास
सभी चीज़ें जो कंटेनर में जाने जा रही हैं। जो हरी मिर्च है उसकी मात्रा आप अपने फ्लेवर के मुताबिक देख लें कि आपको ज़्यादा पसंद है तीखा या कम। कई बार हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसमें मैं दो डाल रही हूँ, दो हरी मिर्चें इतनी चटनी में। फिर हम चेक भी कर लेंगे बनाने के बाद कि कितना तीखा है, नहीं अगर कम लगेगा तो बैटर में डाल देंगे। ये कड़ी लीव्स है 5-6 और इसमें डालेंगे हम काला नमक। इसमें काला नमक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा, ये मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ काला नमक। जो हम ऑर्डनरी घर में चम्मच बरतते हैं वो टीस्पून होती हैं और जो ये होते हैं टेबलस्पून। और थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें वाइट नमक, जो आम ऑर्डनरी नमक रहता है इतना मैं डाल रही हूँ इसमें ऑर्डनरी नमक। सबसे जरूरी बात, जब हम चटनी बनाने जा रहे हैं इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसमें पानी की जगह थोड़ा दही ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ बाउल डाला है। जो हमने गोभी के पीसीज इधर रखे थे बॉईल होने के लिए वे हमारे अध पक्के तैयार हो गए हैं। देखिए इस प्रकार से तैयार हो गया। अब इसका हम पानी स्ट्रेन करके ऐसे निकाल लेंगे इसी को। यह पानी आप किसी सब्जी दाल और आटा गूंदने में भी प्रयोग में ला सकते हो। जो हमने गोभी के पीसेस बॉईल किए थे वो हमने पानी निकालने के लिए ऐसे छल्ली में स्ट्रेनर में डालकर रख दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम इसने हमने जो चटनी तैयार की थी बैटर बनाने के लिए वो एकदम से रेडी है ग्राइंडर मिक्सी के कंटेनर में। इसे मैं निकाल रही हूँ आपसे अच्छी तरह, इसे किसी बाउल में निकाल लीजिए। जो पेस्ट या चटनी कह रहे हमने मैरिनेट के लिए बनाया था ऐसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें अमचूर मिलाने जा रही हूँ। जो अमचूर की मात्रा है वह हमने ध्यान से मिलानी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी दही भी है। मैं इतना अमचूर मिलाने जा रही हूँ। और ये रहा अनारदाना। अनारदाना का जो फ्लेवर है बहुत ही डिस्टिंक्ट टेस्ट देता है, ख़ास किस्म का, जब हम गोभी में मिलाते हैं बहुत ही ख़ास। आप नोट करेंगे जब खाएंगे कि इससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, एक विशेष तरह का लाजवाब टेस्ट बन गया। ये है साबुत धनिया, मैंने मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ है, ये इसमें मिला रही हूँ। और सबसे एंड में क्या मिलाना है हमने, लेमन जूस। एक टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सी खट्टी चीज़ें इसमें मिलाई है, अमचूर अनारदाना, ये तो बस फ्लेवर के लिए ही डाल रहे हैं। इसके सीड्स हैं जो रिमूव कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से एक जान जैसे बोलते हैं मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो गोभी के पीसेज हमने निचोड़ कर रखे थे मैरिनेट होने के लिए इसमें डाल देंगे और आधा घंटा इसमें रखेंगे ताकि जो फ्लेवर हमने मिक्स किए हैं वो पूरी तरह से इन पीसेज में समा जाए। आप हाथ से मिक्स करिए ताकि अच्छी तरह सभी फ्लेवर इसमें
ऐड हो जाए। ऐसे एक एक पीस कोट कर लें अच्छी तरह। इस सभी पीसीज को अच्छी तरह हाथ से इस चटनी की कोटिंग कर लें। अब ही इस बैटर में या चटनी में जो हमने तैयार किया है आधा घंटा ढक कर इसे रख देंगे ताकि जो भी सभी स्पाइसेस जो हमने फ्लेवर इसमें मिलाई है उसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह इन गोभी के पीसीज में समा जाए। और ये आधा घंटा पड़ा रहेगा। और इसके बाद अब हम बैटर तैयार करते हैं बेसन का। वह आप देख लें किस प्रकार तैयार करना है। अब हम इतना बेसन लेंगे, बिल्कुल हीप फुल इतना बेसन ले रहे हैं 500 ग्राम गोभी के लिए। देखिए हमने इतना बेसन लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैं मलाने जा रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप चावलों की किनकी होती है उसे भिगोकर मिक्सी में भी पानी डाल के पीस के मला सकते हो, या ये मोल्स में अच्छी प्रकार से बड़ी आसानी से मिल जाता है। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे और 1 चम्मच इस जहाँ प्लेट में रखेंगे। बैटर में चावल और बेसन के बाद अजवाइन मिला रही हैं। अजवाइन के बाद थोड़ी ही हींग के बाद ये रहा सौंठ पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने मिलाया है। अजवाइन 1 टीस्पून थी हमारी। और अब रही कसूरी मेथी, ये है हमारा 1 टेबलस्पून। और गरम मसाला पाउडर ये 1/2 टीस्पून। अब जो हमारी गोभी है उसमें भी हमने नमक मिलाकर रखा है बॉईल करते वक्त, और जो मैरिनेट के लिए चटनी बनाई थी उसमें भी है। इसलिए जो नमक की मात्रा है हमने सिर्फ बेसन के अकॉर्डिंग ही मिलानी है कि हमारा बेसन किस हिसाब से है। ज़्यादा नहीं मिलाना कि हमारे पकौड़े इतने हैं, ये हिसाब नहीं रखना। इसलिए इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून ही मिलाने जा रही हूँ। रेड चिली पाउडर, वो चटनी भी हमारी करारी है तो देखिए इतना ही मिलाना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिला सकते हैं, अदरवाइज इतना ही इसमें काफ़ी है। अब हम इसे पानी मिलाकर इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। जो हमारा मिक्सर है जो इसका कितना थिक रखना है कितना पतला रखना है ये आप नोट कर लें। ना तो ज़्यादा पतला रहेगा ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब कोटिंग नहीं होगी गोभी पे, अगर ज़्यादा थिक रखेंगे तो फ्राई होने के पश्चात जो हमारे पकौड़ों के ऊपर से वो बेसन की कोटिंग होगी वह पोपले से बनकर उतर जाएंगे। मैं इसलिए थोड़ा ठीक रख रही हूँ, जो मैरिनेट के लिए दही डाला था ना वो पानी छोड़ेगा, वो पानी इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब इसे हम 10 मिनट सेट होने के लिए रख लेते हैं। थोड़ा इसे पतला करेंगे वो दही वाला पानी डाल के जो मैरिनेट वाला गोभी के फूल छोड़ेंगे। अब 10 मिनट इसे फूलने के लिए रख देते हैं। देखिए ऐसे पानी डालते हुए हमने पूरी अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट इसे खूब बीट करना है, बिप करना है। आफ्टर बिपिंग हम इसे क्या करेंगे कि 10 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। उधर हमारा जो गोभी के फूल है वो मैरिनेट हो रहे हैं, इधर हमारी ये बिप करके हमने पूरे 10 मिनट ढक कर रखना है, खूब फेंटना है ताकि जो हमारे पकौड़ों का घोल है
वो अच्छी तरह रेडी हो जाए और जब हम कोटिंग करें तो ये बिल्कुल एकदम से क्रंची क्रंची से बने। इसमें एक ही सीक्रेट है कि पकोड़े क्रंची कैसे बनते हैं, ये इस पे है कि हम व्हिपिंग कितनी करते हैं, उसको व्हिप कितना टाइम करते हैं। इसे बिल्कुल फ्लफी होने तक बीट करें, पूरा जोर लगाकर हाथों का 4 से 5 मिनट तक। जो हमने घोल तैयार किया था बेसन और चावल के आटे का, उसकी थिकनेस आप नोट कर लिए कितनी कंसिस्टेंसी है, कैसी है इतनी, ये थोड़ा पतला नहीं होना चाहिए। और ये 10 मिनट के बाद रेडी है, और जो हमने मैरिनेट करके गोभी के पीस रखे से ढककर वो भी रेडी है। अब हम इसे तेल को चेक करेंगे, गर्म है थोड़ा ऐसे, ये भी चेक हो गया अच्छी तरह कोट हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा मोटा है ना पतला है। अब तेल को चेक करते हैं गर्म है या नहीं। अभी तेल हमारा थोड़ा और गर्म होने देते हैं, फिर मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करके पकौड़े निकाल लेंगे। इसके तेल में कैसे डालना है, ऐसे अच्छी तरह कोटिंग हो रही है, ना तो ये ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल मीडियम आंच पे ऐसे एक एक करके आप पकौड़े डालते जाएं। और एक बात नोट करनी है, जब हमने गोभी के पीसीस को बेसन में लपेट कर इसमें डालना है, तो जब तक एक तरफ से सिक नहीं जाते तो हमने उसे छेड़ना नहीं है, थोड़ा सिकने पर ही साइड की पलटी करनी है। हमारे गोभी के पकोड़े हैं एक तरफ से थोड़े कुक हो गए हैं, अब इसकी साइड पलटी करेंगे, ऐसे धीरे से पलटी करनी है। देखिए जैसे जैसे हमारे ये पकोड़े कुक हो रहे हैं इसका कलर बदलता जा रहा है, ऐसे हमने उल्टते पलटते हुए धीरे धीरे सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। अब हम इन पकौड़ों को निकाल रहे हैं, और जब हमने सर्व करने होंगे इसे हाथों से दबा दबा कर फिर अच्छी तरह से एक बार फिर कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। ये ठंडे होने पर मैं आपको बताऊंगी कि दोबारा फिर से सर्व करने से पहले हमने कैसे इसे फ्राई करना होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और हम ऐसे ही करते हुए दूसरे पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हमने इतने पकोड़े निकाल लिए हैं, अब हमने यह सीखना है कि सर्व करने से पहले दुकानदार जो हलवाई है वो कैसे सर्व करते हैं, ताकि जिसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। ऐसे हाथ से अच्छी तरह दबाना है, दबा के फिर इसे दोबारा फिर से फ्राई करते हैं। पहले थोड़े कच्चे से निकाल लेते हैं, उससे ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। देखिए सर्व करने से पहले हमने एक बार फिर से इसकी क्रंचीनेस बरकरार रखने के लिए फ्राई कर लिया। ऐसे धीरे से निकालिए, जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है वो कढ़ाई में चला जाए। ऐसे हमने सारे पकौड़े फिर से निकाल लिए। अब हम सीखेंगे सर्व करने का तरीका, कि इसे किस तरीके से सर्व करने हैं। यह देखिए, अगर आपके पास चंकी चाट मसाला है तो बेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अमचूर और काला नमक ले लें, उसको मिक्स कर ले बराबर क्वांटिटी में, और सभी पकौड़ों पर ऐसे, मैं बता रही हूँ, मैं तो ये चंकी चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो उसका मैंने अल्टरनेटिव बताया, सब्स्टिट्यूट बताया, ऐसे स्प्रिंकल कर ले सभी पकौड़ों पर अच्छी तरह। और फिर गर्मा गर्म इमली की चटनी, सॉस और हरी चटनी के साथ परोसिए, खाइए, और मेरे को बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और अब अपने जो कुछ बातें ध्यान में रखनी है पकौड़े बनाते समय, सबसे पहली बात, जब गोभी को उबालना है तो अध पक्की उबालना है, ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो जिसके पीसी जाए जो
फूल है वो खिलर जाएंगे। दूसरी बात, आधा घंटा मैरिनेट चटनी में रखना है। और तीसरी बात, जो हमने बैटर बनाया है उसे अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक विप करके 10 मिनट ढककर रखना है, फिर कोट करके फ्राई करने हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।